हेलो दोस्तों, आज आपको एक सोनी टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि देखिए ये सोनी का ओरिजिनल टीवी है और ये ट्रिनीटन लिखा है, मतलब इसका अंदर जो पिक्चर ट्यूब वो ट्रिनीटन पिक्चर ट्यूब है। और दोस्तों आप अच्छा करके देख सकते हो, ये सोनी जो टीवी है तो इसका अंदर इस तरह आप देखिए बॉटम स्विच, ये जो बॉटम स्विच देखिए बॉटम स्विच है, ये भी इनपुट पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह इसका सिस्टम है और इसका मॉडल नंबर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बैक कवर का पीछे ये जो स्टिकर है आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है इस स्टिकर का ऊपर KV1487P1, ठीक है, इस तरह इसका मॉडल नंबर लिखा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, इसका बैक कवर मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद सबको पता है कि सोनी का पिक्चर ट्यूब पूरा अलग होता है। मार्केट का जो अलग अलग टीवी का अंदर पिक्चर ट्यूब रहता है, ये हिसाब से पूरा अलग इसका पिन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये पिक्चर ट्यूब के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, इसका बेसबोर्ड के बारे में डिटेल्स वीडियो बहुत दिन पहले ही बना के रखा है। बट दोस्तों ये जो सोनी का टीवी, ये मैं 2 साल पहले एक बार रिपेयर किया था और उसका बाद लॉन्ग टाइम हो गया, ये टीवी फॉल्ट हो गया। इसका जो फॉल्ट, ये जो ESD है, ESD के ये पोजीशन से फायरिंग आ रहा है, ठीक है। और आप अच्छा करके देखिए कि न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा कि सोनी का पिक्चर ट्यूब का जो सिस्टम होता है पूरा डिफरेंट होता है। ये जो ESD का फाइनल एनोड आप देखिए, जो पिक्चर ट्यूब पर चला गया, ये जो फाइनल एनोड है और उसका बाद ये ESD से और कुछ भी और नहीं है, मतलब स्क्रीन कंट्रोल, फोकसिंग कंट्रोल कुछ भी इसका साथ कनेक्शन नहीं है। आप अच्छा करके देख सकते हो, स्क्रीन कंट्रोल, फोकसिंग कंट्रोल कुछ भी कनेक्शन इसका साथ नहीं है। तो पिक्चर ट्यूब का स्क्रीन और फोकस कनेक्शन, ये देखिए ये जो मेन PCB है, मेन PCB से इसका दिया गया है, ठीक है। ये जो वायर देखिए, ये जो वायर जा रहा है यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन है और ये वायर जो आउटपुट हो रहा है कि ESD का जो पिन है नीचे से, इसका आउटपुट इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसका फायरिंग किस तरह आ रहा है चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये फायरिंग लॉन्ग टाइम रखने का भी रिस्क होता है, ठीक है। तब भी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। और इसका लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है ये फायरिंग के बजाय। आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, मैं आपको एक बार सप्लाई दे के दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ज़रूर आप देखा होगा इस तरह चढ़ चढ़ करके फायरिंग आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ESD चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर भी एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ, मैं सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आप ज़रूर देखा होगा इस तरह इसका फायरिंग आ रहा है, इसकी वजह ये TV चालू नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह ESD मार्केट पर लग रहा है नहीं मिलेगा, तब भी मैं एक बार ढूंढ के देखूंगा कि मिलेगा कि नहीं, ठीक है। और उसका पहले ये ESD तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा कि ये ESD को रेडी किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए दोस्तों ESD को थोड़ा सा साफ सफ करना पड़ेगा और इसका ऊपर एक स्क्रू ये है तो ये काम का नहीं है, और ये मैं आउट कर देता हूँ। करने के बाद मैं देखूँगा ये रेडी किया जाता है कि नहीं, ठीक है, ये फायरिंग को कंट्रोल किया जाता है कि नहीं। दोस्तों देखिए इस तरह इसका ये कुछ काम का नहीं आएगा, और इसका जो फायरिंग पोजीशन आप अच्छा करके देखेगा तो पता चलेगा कि ये पोजीशन देखिए फट गया, हल्का सा फट गया, और यहाँ से ये जो कोर है, कोर का अंदर फायरिंग आ रहा है। तो मन में जो लग रहा है कि ये पोजीशन को अच्छा तरह से गम करके मैं गम करूँगा तो हो सकता है कि ये ESD रुक जाएगा और फायरिंग नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए मैं ट्राई करके एक बार देखता हूँ, और उसका पहले ये स्टी को और साफ साफ करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अभी इसी टाइम ईएसटी को थोड़ा सा मैं साफ साफ कर लेता हूँ एक एक कपड़ा लेके। ठीक है, और दोस्तों आप अच्छा तरह से इसको क्लियन क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो गाम यहाँ पर नहीं लगेगा। और उसका बाद मैं पेट्रोल लेके भी एक बार ये ब्रश लेके इस तरह वॉश कर देता हूँ, करने के बाद इसके अंदर मैं एक गाम लगाऊँगा। अब ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों मेरे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ ये एराराइट ये जो गाम है, तो ये गाम से मैं एक बार ट्राई करूँगा कि बहुत दिन से पड़ा हुआ थोड़ा सा बचा हुआ ये है। तो ये जो दो ट्यूब इसके अंदर मिलता है, ये दोनों को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करके देखूँगा, तो कुछ भी आप जगह पर ये ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों का कलर थोड़ा अलग है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, और दोस्तों आपको पूरा स्टेप दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। तो ये दोनों जो ट्यूब है, दोनों ट्यूब का जो गाम, इसको अच्छा तरह से मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये पूरा निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाऊँगा। ठीक है, कि आप उंगली से भी कर सकते हो। ठीक है, और अब कुछ भी एक छोटा चाकू कुछ भी लेके भी इस तरह मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा तरह से मिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको मिक्स करना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, ठीक है, जितना टाइम लगा है तो वो मैं आपको नहीं दिखा, थोड़ा सा आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ। तो इस तरह मिक्स करने के बाद चलिए ये जो फायरिंग पोजीशन है, थोड़ा सा ऊपर से और नीचे तक मैं ये अच्छा करके लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गम लगाने का समय, ये लगाने के बाद ये थोड़ा नीचे ये ढीला हो जाता है, मतलब ये नीचे चला जाएगा ये गम। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि देखिए पूरा चारों साइड को अच्छा करके लगाए, और देखिए नीचे चला जाता है, इस ये नीचे चला जाता है। तो दोस्तों ये सूखना होने के लिए एक दो दिन टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह आपको गम लगा के रखना पड़ेगा, बट ये तो दोस्तों नीचे चला जाता है। मैं रात में ये कर रहा हूँ, और पूरा रात को मैं छोड़ के चला जाऊँगा, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर मेरा पास ये जो क्या बताऊँगा आपको, ये तूला मैं कहता हूँ कि, तो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका गम नीचे ना जाए, और उसका बाद मैं दो दिन का बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल मैं 8 PM लगभग उसका आसपास ये मैं जो एयरलाइट ये लगाया, और उसका ऊपर ये जो कॉटन है, तो दोस्तों ये कॉटन को मैं चिपकाया, इसी तरह ये कॉटन चिपकाया, और दोस्तों पूरा 24 घंटा हो गया, मतलब अभी इसी टाइम 8:30 PM हो गया, तो पूरा 24 घंटा हो गया। और दोस्तों ये देखिए पूरा अच्छा तरह ये टाइट हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर अलग सा कॉटन लगाया, तो एक बार सप्लाई देके देखूँगा। बार दोस्तों मैं पड़ा हुआ उसी टाइम देखिए, इसका जो रेट देखिए, ये पड़ा हुआ था बहुत दिन पहले से ही, 2020 का जो प्राइस 47 रुपया था। ठीक है, 47 रुपया। तो दोस्तों अभी मैं इसका ऊपर और एक बार लगाऊंगा, तो अभी ये नया मेरा पास आया एक पैकेट, तो इसका प्राइस देखिए कितना, 68 रुपया हो गया। तो ठीक है, चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है, और फायरिंग आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया सीरीज लाइन से,
सीरीज बल्ब अभी फुल ग्लो हो रहा है, तो चलिए फिर भी सप्लाई अप करके फिर भी एक बार सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई दे दिया, बट दोस्तों कुछ भी फायरिंग अभी नहीं है, आप देख सकते हो कुछ भी फायरिंग नहीं है। और स्क्रीन के अंदर लाइट दोस्तों देखिए, टीवी भी चालू हो गया, बट दोस्तों ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। इसका मेन प्रॉब्लम जो ये फायरिंग प्रॉब्लम अभी चला गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये अलग सा फॉल्ट है, इसके ऊपर आपको अलग सा एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है दोस्तों।